हरे हरे चूड़ियां। डैड, आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया, आपको दादी बुला रही थी। सॉरी। कोई बात नहीं, मैं होके आया। पता नहीं क्या बात है। अब बताओ कैसी लगी तुम्हें? मामा, आपने ठीक कहा, हेमंत बहुत प्यारी है, बहुत ही इनोसेंट सी, क्यूट सी, बहुत अच्छी। तो बस ठीक है, फिर तुम अपने डैड को बता दो कि वो तुम्हें पसंद है। पसंद तो वो मुझे बहुत है, और मैं डैड को बता दूंगा। मुबारक हो अम्मा, वकार को एमन के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है, तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। खैर, मुबारक हो अम्मा। सुरैया सुरैया, कहाँ हो, इधर आओ। मैंने क्या सारा दिन करती रहती। जी अम्मा, कोई काम है? वकार ने एमन के लिए हाँ कर दी। बस इसी जुम्मे को निकाह होगा। घड़ी का मुंह देख रही हूँ, जाओ मिठाई मंगवाओ, मेरी ओमन का घर बसने वाला है। अल्लाह उसको खुशियाँ दे। आमीन अम्मा, ये सब आप ही की दुआएं हैं। बस मेरी तमाम दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। बस अल्लाह खुश रखे मेरे बच्चों को। इश्क क्या है, पास हो के भी दूर दूर रहना, जिंदगी है धूप छाँव के दरमियान जीना। क्या हो गया भाई, अब क्यों रो रही हो? ईमान, क्या हो गया? बल्कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। मर जाऊंगी, वकार से शादी नहीं करूंगी। अली भाई भी इस फैसले को कबूल नहीं करेंगे, वो बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। गुड्डी बाजी से बात करो। गुड्डी बाजी, तुम मुझे अपना फोन दो, मैं उनसे बात। हेलो गुड्डी बाजी, कहाँ हैं आप? यहाँ पे इतना बड़ा मसला हो गया है। दादी ने एमन और वकार भाई का इज्जत में निकाह रखा है, और आपको कुछ खबर ही नहीं है, आप एक घर पे बैठी हुई है। अच्छा ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। ईमान, ईमान क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? ईमान प्लीज चुप हो जा, दादी जान ने सुन लिया तो हंगामा हो जाएगा। ईमान क्या कर रही हो, हंगामा क्यों कर रही हो? ईमान, अली भाई है ना, चश्मा खाना था, वो सबसे बात करेंगे, सबको मना लेंगे। अगर उन्होंने भी किसी की बात नहीं सुनी तो फिर गुड्डी बाजी सारा मामला निपट लेंगे, वो सब संभाल लेंगी। हौसला रखो प्लीज, और दादी जान भी तो कितनी गुड्डी बाजी की बात मानती है। मान चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। तुम मरवाओगी, पकड़ो अपना मोबाइल, मैं जा रही हूँ यहाँ से। Oh.
ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ किसे दिखाना है, किसे साबित करना है कि बहुत मोहब्बत है हमने? देखो सलमा, जितने दिन यहाँ हो चेहरे से ये बेचारगी का नकाब तो उतार। बेचारगी का नकाब किसके चेहरे पर है ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। देखा तुमने कैसा सड़ा खाना बनाया था, मुझसे गलती, मैंने कहा थोड़ी सी खीर बना देना मेरे लिए। खीर तो ऐसे लग रहा था जहर खा रही हूँ। मेरी कैसी हालत हो गई ये खाने खा के, देख रही हो कमजोर हो गई हूँ मैं, क्या करूँ। हाँ माँ, अच्छा ये छोड़े, मुझे ये बताएं कि सारी तैयारी कैसे हो रही है? आप क्या हो जाएगी तैयारी? सलमा कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह से, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। बालों का कलर भी कितना अच्छा कर रहा है। आइए ना पापा, आइए आइए बैठिए। और जी, और माँ जी आप कैसी हैं? और सलमा आप कैसी हैं? कनाडा में सब खैरियत है? जी मैं भी ठीक हूँ, कनाडा भी बिल्कुल ठीक है। आप चक्कर लगाए ना कभी? हाँ हाँ जरूर आऊंगी, अली के बाबा कह रहे थे मुझे लेके जाएंगे, मैं आपके घर भी चक्कर लगाऊंगी। जरूर जरूर आइएगा। और बेटा अली, मैंने सुना है माशाल्लाह आपने इंजीनियरिंग कर ली है, बहुत मुबारक हो। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया ना, छोटा सा देखा था बिल्कुल। और मुझे तो पता ही नहीं था कि आप भी आई हुई हैं, बड़ी खुशी हो रही है मुझे, बहुत अरसे के बाद हमारी मुलाकात है। और वकार क्या हाल है, क्या हो रहा है आजकल? तुम्हारे सामने हूँ, वैसे I'm so glad to see you, कम से कम अब मेरी कोई कंपनी तो होगी, वरना मैंने तो बोर ही हो जाना था यार। अरे नहीं नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, अब बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी, मेरे गाने सुनने पड़ेंगे, सुनोगे? एनी टाइम। चलो गुड। अच्छा हुआ तुम अपना बाजा साथ ले आए, सुना बहुत अच्छे गवैये बन गए हो। एमन और वकार की शादी पर तुमसे खूब गाने सुनेंगे। थक गई होंगी आप, आइए आइए फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ, आइए आइए ना। सुनाना यार कुछ, ए समथिंग फॉर अस, कोई अच्छा सा खुशी का गाना, रोता हुआ गाना नहीं सुनूंगी मैं। चलो तो तुम अकेले में सुन लेना, हम शर्मा रहे शायद हमारे सामने। आपा बहुत से फैसले हमारे इख्तियार में कहाँ होते हैं। छोड़ सुरैया, तेरे इख्तियार में कभी कुछ रहा है? आपकी नाराजगी बजा है आपा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सब इस फैसले से बहुत खुश हैं। तो मुझे पहले बता दिया होता, मैं स्टेशन से ही वापस चली जाती। कैसे वापस चली जाती हैं आपा? आप बहन है मेरी, एमन की शादी में शिरकत तो करती ना। अच्छा अब गुस्सा थोगी ना ही किसी से कोई हंगामा कीजिएगा, सब मुझे ताने देंगे कि तुम्हारी बहन से इस घर की खुशी नहीं देखी गई। मैं हंडिया चढ़ा के नहीं है क्या? तूने सुना नहीं सब इस फैसले से कितने खुश हैं? एमन भी?
इश्क क्या है, पास हो के भी दूर दूर रहना, जिंदगी है धूप छांव के दरमियान जीना। हम यही है कहीं, तू जहां मैं वहीं, हर जगह दिल है दो भी तो क्या, धड़कने एक है, सुन जरा ये सदा। भारत में तुम्हें भाभी के आपकी खामोशी ने कैसी कयामत बर्पा कर दी। कैसी कयामत? दादी ने फैसला सुना दिया और आप चुप हैं। मैं क्या कर सकती? सच पूछो गुट्टी, तो मेरी दिल से ख्वाहिश थी कि एमन की शादी अली से हो, लेकिन अगर एमन के नसीब में वकार ही लिखा है तो मेरी ख्वाहिश उसके नसीब से जीत तो नहीं सकती ना। इसका मतलब यह है कि आपने खामोशी से फैसला कबूल कर लिया है। हाँ, जब सबने कबूल कर लिया तो मैंने भी कर लिया, तुम भी कर। आपने एमन से पूछा? नहीं, मैंने तो नहीं, लेकिन फसाहत ने पूछा। राजी है? एमन गुड्डी बाजी, आप सबको ये लग रहा है कि वो रजामंद है, लेकिन असल बात तो ये है कि वो बिल्कुल भी राजी नहीं है। क्या बात कर रही हो गुड्डी? फसाहत मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? आपको कैसे समझाऊं भाभी, आप लोग नहीं जानते। गुड गुड अब गुड्डी बाजी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है, चलें चल के बातें भी करते हैं। हाँ मैं आ रही हूँ, अभी आई भाभी। माहीन बात क्या है, मुझे कुछ तो बताओ। आप आई तो सही, क्या हुआ है?
क्या हुआ? एमन उठो 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 एमन संभालो खुद को। मैंने कहा है ना कि मैं बात करूंगी, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? बाप किसी से कोई बात नहीं करेंगी। क्यों बात नहीं करूंगी? क्योंकि अब मैं वकार से ही शादी करूंगी। क्या बचपना है? बचपना नहीं है ये, बचपना नहीं है। बचपना तो वो था जो मैं अब तक करती आई हूँ। बचपन से मोहब्बत की मैंने उससे। मुझे लगता था कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरी जान, तुम कैसे कह सकती हो कि अली के दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं? कैसे? कभी आया था वो, आया था मेरे पास, मुझे मुझे मेरे रिश्ते की मुबारकबाद देके गए। क्या? नहीं है मन, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी पसंद का हमेशा ख्याल रखते हैं, और हर मौके पे तुम्हें हरे रंग की चूड़ियां भी तो देते हैं। नहीं माई, जरूरी नहीं है कि जो आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखे वो आपसे मोहब्बत भी करे। हरे रंग की चूड़ियां तुम्हारी चॉकलेट्स के ही बराबर थी। मैं बात करूंगी उससे। प्लीज गुड्डी माजी, आप किसी से कोई बात मत कीजिएगा, मेरी मोहब्बत को और मजाक में तोड़ा है, प्लीज। लेकिन हेमल, नजमा वाला तुम्हारे रिश्ते के लिए तो आई थी। हाँ, नहीं है वो मेरा रिश्ता, उसे भी सबने अपनी पसंद बताई होगी और वो मेरी तरफ मान गया होगा। मेरी जान, एक बार सोच लो, वो मोहब्बत है तुम्हारी क्या ऐसे ही जाने दो? मेरी मोहब्बत है, मैं उसकी मोहब्बत नहीं, मैं नहीं हूँ उसकी मोहब्बत। इश्क क्या है, पास हो के भी दूर दूर रहना, जिंदगी है धूप छांव के दरमियान जीना, हम यही है कहीं, तू जहां मैं वहीं, हर जगह दिल है दो भी तो क्या, धड़कने गुड्डी, ओ गुड्डी, गुड्डी कहाँ है तू? गुड्डी आ रही हूँ दादी, आ रही हूँ। कहाँ है तू? जी दादी। जरा इधर आ, मेरी बात तो सुन। बस दो मिनट दादी, कपड़े धो रही थी, ये दुपट्टा खुश्क होने टांग दूँ। अच्छा, जल्दी आना। जी जी, बस दो मिनट, अभी आई। सुरई, अगर मैंने कहा था तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ उस बात से कि अली मुझे पसंद है? पसंद है भाई, वो अच्छा लड़का है बहुत। इसीलिए आपने वकार के लिए हाँ कर दी? वकार मेरा खून है, भाई का बेटा है मेरे। तुम जानती हो भाईजान के कितने एहसान आते हैं मुझ पर, जिंदगी में पहली दफा उन्होंने मुझसे कुछ पूछा है। आप वापस जा रहे हैं? क्यों, वो क्यों वापस जा रहे हैं? अली और नजमा को शिरकत नहीं करनी शादी में?
कैसे हो सकता है फसाह? जिसका रिश्ता लेने वो आए थे उसकी शादी में कैसे बैठेंगे? नजमा सिंह को रोको तुम, उनसे कौन नाराज हो के ना जाए। जब आपने उनकी खुशियों की परवाह नहीं की तो अब उनकी नाराजगी की क्यों इतनी फिक्र हो रही है आपको? सही, अब तुम इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। देखो ये बात सही है कि बकार और एमन की बातें हुई है, लेकिन हमारी एक और बेटी भी तो है, माही। नजमा बहन मैं ये क्या सुन रहा हूँ, क्या वापस जा रही हैं? आपको शादी में शिरकत करना बड़ा जरूरी है। वो आपको तो पता ही है कि आशिमा हमारे बगैर ज्यादा देर तक अकेले रह नहीं सकते ना। बिल्कुल नहीं जाएंगे आप वापस, आपको एमन और बकार की शादी में शिरकत करनी है। मैं तो इस बात पे बड़ा नाराज हूँ कि आशिमा आपके साथ क्यों नहीं आया। अच्छा भाई मैं तो अम्मा के लिए पान ले आऊँ, सुबह से कह रही हूँ, अभी आया। आया बैठिए। देख ना सुरैया, हमारा रुकना तो बनता ही नहीं। अली को बहुत अफसोस है, मैं नहीं चाहती उसका कोई तमाशा बने। अब आपा रुक जाए ना सुरैया, मजबूर नहीं करना बस। आपा मैंने आपसे कहा था ना, फसाहत अली को बहुत पसंद करते हैं, मैंने गलत नहीं कहा था। फसाहत अली को माहीन का रिश्ता देने के लिए तैयार है। हाँ है सुरैया, ये कोई सूट पीस या परस तो है नहीं कि ये पसंद नहीं आया तो ये वाला ले लो। आपा मैं चाहती हूँ आप लोगों से मेरा रिश्ता जुड़ा रहे, जिस तरह फसाहत को यकीन है ना कि शुजात भाईजान और सलमा भाभी एमन को बहुत खुश रखेंगे, इसी तरह मेरे दिल को भी इत्मीनान है कि मेरी माहीन आपके घर पे राज करेगी। हाँ सुरैया, तुझे समझ क्यों नहीं आ रही है, मेरे ख्याल में अली को ये बात पसंद नहीं आएगी, वो तो एमन को पसंद करता है। पसंद? इस उम्र की पसंद तो चढ़ते सूरज की तरह होती है आपा, जो हर तरफ अपने निकलने का ऐलान करता है और शाम होते ही डूब जाता है। सुरैया अली एमन को सिर्फ पसंद ही नहीं करता, उससे प्यार करता है, मोहब्बत करता है। मैं महसूस कर रही हूँ कि कोई बात कहना चाहती हो, लेकिन सलमा यहाँ बैठी थी तो तुम कोई बात नहीं कर सकती। कहो क्या बात? नहीं दादी कोई बात नहीं। लेकिन मेरी एक बात सुनो, तुम्हें तो पता ना शादी का घर है, हजारों काम है। मैंने तो बस सुरैया और सलमा से कह दिया है कोई खास शॉपिंग नहीं करनी, जो जरूरत की चीजें हैं वो खरीद। सुरैया को तो पता है ना तुम्हें कैसी जाहिल औरत है, और उसे तो कुछ आता ही नहीं है। तो अब फंक्शन की सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी है, घर सजाना है, पकवान बनाने हैं, और आज ढोलक भी मंगवा लो, और कल एमन को मायने तुम्हें ही बिठाना है। दादी एक शिकवा कर सकती? खुशी के मौके पर शिकवे शिकायत नहीं होते, लेकिन चलो क्या बात है बताओ। जब बात आई एमन की, माइयों की, पकवान पकाने की, ढोलकी रखने की, नाच गाना, हर खुशी की, तो आपको गुड्डी याद आ गई। लेकिन जब आप इतना बड़ा फैसला कर रही थी उस वक्त आपको गुड्डी का कोई ख्याल नहीं आया। आय है, तुम घर पे कब थी जो मैं तुमसे मशवरा करती? तुम तो पता नहीं कहाँ गायब थी, चार दिन से तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। खैर अब नाराज होने का वक्त नहीं है, ये रूठने मनाने का चक्कर न करो, हजारों काम करने तुमने तो। आप बेफिक्र रहिए दादी, सब कुछ इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हो जाएगा। अरे गुड्डी, गुड्डी प्लीज डू मी अ फेवर, मेरे साथ चलोगी शॉपिंग के लिए, मुझे कुछ खरीदना है। जी सलमा बाजी, मैं जरूर जाऊंगी आपके साथ। थैंक यू। और दुल्हन के जोड़े कौन खरीदेगा, मायों का भी तो जोड़ा खरीदना है ना। अम्मा जाहिर है दुल्हन खुद ही खरीदेगी। आय है, इन दोनों में दुल्हन बाजारों में ख्वार होगी, उसे तो तुम लोगों ने मायों बिठाना है ना आज। लेकिन अम्मा आपका लाडला पोता ये चाहता है कि एमन की शादी का ड्रेस उसकी मर्जी का होना चाहिए। चलो उसकी मर्जी है तो ठीक ही सही होगा। दादी फसाहत भाई नजर नहीं आ रहे,
हसार शुजात हाल की बुकिंग करवाने गए। अब इस घर में इतने मेहमान तो नहीं आ सकते ना, दुआ करो अच्छा सा हॉल मिल जाए। इंशाल्लाह मैं आती हूँ। हाँ जाओ। गाना वो अच्छा सा गाना, तुम बहुत अच्छा गाती हो जो वाला। ठीक है दादी, जो सा गाना आपको पसंद होगा वही गाओ। वो मुझे तो वो अच्छा लगता है, मेरे में हर से आया मुझे जोड़ा ये हरी हरी चूड़िया। अली के बाबा मुझे तो समझ ही नहीं आ रही क्या करूं क्या ना करूं। हाँ हाँ भाई, फसाद भाई का फोन मुझे भी आया था, बहुत इसरार कर रहे थे कि मैं भी आ जाऊं। अली ने तो वापस जाने की रट लगा के रखी हुई है, और सच्ची बात पूछ मेरा भी दिल नहीं है रुकने के लिए। देखो नजमा, रिश्ते तो खुदा जोड़ता है, अगर खुदा को नहीं मंजूर तो भला हम लोग क्या कर सकते हैं। यही बात मैंने अली को भी समझाई है कि देखो बेटा, अगर तुम वहां से इस तरह वापस आ जाओगे तो हमारी रिश्तेदारी तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी उनसे। वैसे एक बात की है सुरैया ने, ये लोग ना माइन का रिश्ता देने के लिए राजी हैं। क्या बात कर रही हो तुम? ना 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 ना, ना, ना। अली कभी नहीं मानेगा और उसे मानना भी नहीं चाहिए भाई, वो सारी जिंदगी एमन के बारे में सोचता रहा है, अब अगर माहीन उसकी जिंदगी में आ जाएगी तो वो एमन को तो कभी भी नहीं भूल पाएगा। देखो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आज ही टिकट करवा लेता हूँ, मैं कल पहुंच जाऊंगा। बस आप आ जाए ना, आप आ जाएंगे ना तो अली की तरफ से मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। फिक्र ना करो, मैं अली को समझा दूंगा। अच्छा तुम अली से भी पूछ लेना, शादी के लिए जो चीजें चाहिए हो तो मुझे बता दो, बल्कि SMS कर देना। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। तुम्हारे बाबा आ रहे हैं कल? माहिन से रिश्ते के बारे में सोचिएगा भी नहीं, इस रिश्ते से अभी से इनकार कर रहा हूँ। हाँ है अली, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा तुझ पे, वो तो एक सुरैया ने बात की थी तो तेरे बाबा को बता दी मैंने। बाबा आएंगे तो मैं चला जाऊंगा, अब बाबा के साथ वापस आ जाइएगा। ले तू इमन की शादी अटेंड नहीं करेगा, लोग कितनी बातें बनाएंगे। कोई एक्सक्यूज कर दो, नहीं आना इमन की शादी पे। ये देखो बहुत प्यारे हैं, ये मैंने वकार की दुल्हन के लिए बनाए थे। मेरा बस चले तो मैं न जाने क्या क्या करूं वकार के लिए, मेरी तो जान बंदे वकार। वो भी आपसे बहुत प्यार करता है। मैंने इतनी बार कहा है शुजात से कि बहुत कमाईयां कर ली तुमने, अब यहीं शिफ्ट हो जाओ। ये तो बहुत ही मुश्किल है अम्मा। तुम भी तो मजबूर नहीं करती हो ना। बस अम्मा, जैसे मछली को पानी से निकाल दें तो वो खुश्की पर तड़पती है ना, बस यही हिसाब है उनका भी। बस बेटा जहाँ रहो खुश रहो, अल्लाह नजरे बद से बचाए। पसंद आए ना कड़े? जी बहुत प्यारे। और तुमने क्या बनवाया है? अम्मा 2 दिन में दिखाऊंगी आपको सारी तैयारी। कितने जोड़े बनाए? 51। अच्छा, इस पोहर को तो कुछ भी नहीं आता, सिखाओ इसको सुरैया को। इस घर में सबको इस वक्त इस बात की टेंशन है कि दादी ने फौरन शादी अनाउंस कर दी है, और सब इस बात की फिक्र में है कि तैयारियां कैसे पूरी होंगी सिवाय एक इंसान के। अपने आप को कह रहे हैं आप? जी नहीं, आपकी बात कर रहा हूं। आप तैयार हो जाइए, आपने मेरे साथ चलना है। कहां? शॉपिंग पे। मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर आपका ब्राइडल ड्रेस को डिसाइड करें। वकार प्लीज आप खुद चले जाइए ना। क्यों? नहीं अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके साथ जाऊं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैं क्या खा जाऊंगा आपको? नहीं मेरा ये मतलब नहीं है।
हमारे घर में शादी की तारीख तय होने के बाद लड़की बाहर नहीं निकलती। अच्छा चले एक काम करते हैं, अगर आपको मेरे साथ अकेले जाना पसंद नहीं है तो हम माहिन को और गुड्डी बाजी को भी साथ ले चलते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपके साथ जाने में कोई मसला नहीं है। मुझे शॉपिंग करने से घबराहट होती है। बस तो फिर सारी जिंदगी आपको मेरी पसंद पे ही चलना होगा फिर। जी वही कर रही हूं मैं। तुम यहां क्यों बैठे हो इस तरह? मॉम आप एमन का ब्राइडल ड्रेस खुद ही जाके चूज कर। क्या मतलब? उसका कहना है कि उसे मेरी पसंद पे कोई एतराज नहीं है और वो मेरी मर्जी पे ही चलेगी। तो बेवकूफ, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, यार लकी मैन, यू शुड बी हैप्पी यार। हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन एमन खुश तो है ना? ऑफ कोर्स खुश है, उसे तुम जैसा हैंडसम लाखों में एक लड़का कहां से मिलेगा। अच्छा ठीक है मैं चलता हूं। ओके बेटा, तुम बकार के साथ चली जाती ना, कुछ अपनी पसंद से खरीद लेती। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो जो भी लाएंगे मैं पहन लूंगी। जीती रहो, खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो खाओ, दिल खुश कर दिया तुमने। लो पान खाओ। वैसे तो मैं नहीं खाती। आए है बीबी, बंदर क्या जाने अदरक का मजा, खाओगी तो मजा आ जाएगा। एक बात समझ में नहीं आई कि हाशिम तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? क्या उसे हमारी इमन की खुशियादी की खुशी नहीं है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, आ रहे ना वो कल खैर से। तुम लोगों ने अभी तक अपने बेटे की बात नहीं चलाई? अभी तो पढ़ाई से फारग हुआ है, नौकरी मिल जाएगी तो रिश्ता भी देखते हैं उसके लिए। ये ठीक कहा बीबी तुमने, अच्छी नौकरी होगी तो ही रिश्ता मिलेगा ना, अब गाने बजाने वाले को कौन रिश्ता देता है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह से मेरा अली बड़ा लायक है, उसका इंजीनियरिंग में ना बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और बस नौकरी भी अच्छी सी मिल जाएगी उसको, इसे गाने बजाने का तो शौक है बस। मैंने तो यूं ही कह दिया था, तुम तो दिल पर ले गई। बस आप मेरे अली के लिए दुआ करती रहा करें। क्यों नहीं, वो भी हमारा बच्चा है, मैं तो कहती हूँ अपने घर जैसा ना कोई घर देख के रिश्ता कर दो। तुम्हारे ससुराल में भी तो रिश्ते होंगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं जी, बहुत हैं, सब ना अली को बहुत पसंद करते हैं। तो बस फिर देर ना करो बीबी, अपनों से बढ़कर कोई नहीं होता। मुझे देख लो, मैंने वकार और अमन का रिश्ता दिया और जल्दी शादी करने का कह भी दिया ताकि बच्चों को कुछ सोचने का मौका न मिले। वैसे मेरे वकार से लायक बच्चा कोई भी नहीं होगा, मैं भी डरी हुई थी कि मेरी अमन को कोई नहीं उचकते। होता है ना लोग इधर उधर से आ जाते हैं, न खुद को देखते हैं, न अपने घर को देखते हैं, न अपना कुछ देखते हैं। अब मेरे दोनों बेटे एक साथ हो जाएंगे, घर जुड़ जाएंगे, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि बस अल्लाह मेरे बच्चों को खुश रखे। ज़ैन की तरफ जा रहा हूं मैं। मैंने तुमसे नहीं पूछा, वैसे ही बता दिया तुमने।
क्या हुआ? सोच रहा हूँ कि कितना कितना कुछ नसीब है वो जिसकी पसंद पे तुम्हें भरोसा है। वाकई? और मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं भी तो बहुत खुश नसीब हूँ ना। कोई तो है जिसे मेरी पसंद की फिक्र है। इश्क क्या है पास हो के भी दूर दूर।